लेकिन दोस्तों होता ऐसा है कि जब हम इंटरव्यू के अंदर जाते हैं ना रूम के अंदर, तो हमारी बैलून की तरफ खुश हवा निकल जाती है, भूल जाते हैं हम लोग। तो क्यों मैं कहता हूं कि आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। तो दोस्तों फाइनली मुझसे भी वो क्वेश्चन आप लोगों ने पूछ ही दिया जो अक्सर हर किसी से पूछा जाता है कि सर एयरलाइन में आपकी एंट्री कैसे हुई। सो फ्रेंड्स लेट्स स्टार्ट माय ओन एक्सपीरियंस, मेरी खुद की जर्नी कि एयरलाइन में मेरी एंट्री कैसे हुई। दोस्तों स्टेप बाय स्टेप आपको ले चलूंगा, फील कराऊंगा कि वाकई मेरी जर्नी कैसी थी, कहां पे क्या क्या चैलेंजेस आए और उन चैलेंजेस को मैंने कैसे फेस किया, कैसे उनसे पार पाया। डूज डोंट्स, प्री सेलेक्शन, पोस्ट सेलेक्शन, ड्यूरिंग ट्रेनिंग, सारी बातें बताऊंगा आपको। लेकिन उसके लिए कनेक्टेड रहिए मुझसे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे ऑल पे क्लिक कीजिए, ताकि सारी जो इंफॉर्मेशन हैं, सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और मेरे चैनल को ज्वाइन करें, बने मेरे चैनल के प्राइम मेंबर्स, ताकि मैं आपको बेस्ट सर्विसेज दे सकूं, चाहे रिज्यूम हो, चाहे जॉब नोटिफिकेशन हो, चाहे आपके लिए स्पेशलाइज्ड पैकेज के बारे में, सारी चीजें आपको मिलेगी। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभय और जैसा कि आप जानते हैं अपने एयरलाइन और एयरपोर्ट के एक्सपीरियंस को लेकर आपसे रूबरू होता रहता हूं, बताता हूं कि एयरलाइन एयरपोर्ट में जॉब पाने का सही तरीका क्या है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह तीन बातें, एयरलाइन एयरपोर्ट में जॉब के लिए पैसे नहीं लगते हैं। ऐसे भी किसी फॉर्म, रिक्रूटिंग एजेंसी या फ्रॉड 420 लोगों से बच कर रहे हैं जो कि आपको एयरलाइन एयरपोर्ट में जॉब के लिए पैसों की मांग करते हैं। और हमेशा मुझसे कनेक्टेड रहने के लिए मेरे चैनल्स, मेरे डिफरेंट सोशल मीडिया चैनल्स को फॉलो करें, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक एंड ऑल दिस वर्ल्ड। दोस्तों जस्ट इमेजिन कीजिए, मैं अपने बारे में बोल रहा हूँ, अंधेरी रात या फिर हल्की हल्की चांदनी, गाँव का माहौल और छत पर सोए हुए खुली आँखों से आकाश के तारों को देख रहे हैं, जहां जितना भी देख सकते हैं ढेर सारे तारे, अचानक उसी में से एक तारा चलता हुआ महसूस होता है। पहले दिन देखा, दूसरे दिन देखा, तीसरे दिन अपने गार्जियन भैया या जो लोग भी थे उनसे पूछा कि यह तारा कैसा है जो कि चलता है, तो उन्होंने बताया कि यह तारा नहीं है, यह फ्लाइट है। तो मैंने बोला कि यह डेली जाती है इसी रास्ते से, तब उन्होंने बताया कि फ्लाइट्स का एक पर्टिकुलर रूट होता है और ये जो रूट है ये कोलकाता से वाराणसी का है। तो दोस्तों ये वो फर्स्ट मोमेंट था जब मेरा इंट्रैक्शन फ्लाइट से हुआ। उसके बाद अगेन स्टार्टेड स्टडिंग, पढ़ाई चलती रही इधर उधर उधर। एक्चुअल जो प्रोसेस स्टार्ट हुआ मेरे ग्रेजुएशन के बाद से, ग्रेजुएशन के बाद मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा था। सो फ्रेंड्स इसी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के प्रिपरेशन के दौरान एक स्मॉल पेपर टाइप का आया करता था जिसको बोलते थे एम्प्लॉयमेंट न्यूज़, उसी में बीच में किसी पेज पे मुझे एक जॉब दिखा इंडियन एयरलाइंस का और मैंने अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद मैं एक तरह से भूल गया, लगभग डेढ़ महीने बाद मैंने जहाँ का कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस दिया था वहाँ पर एक एडमिट कार्ड आता है और उसमें बताता है कि मिस्टर एक्स वाई जेड, मिस्टर अभय पर्टिकुलर डेट को आपका इंटरव्यू प्रोसेस है, आपका जॉब के लिए जो भी प्रोसेस है उसकी फॉर्मेलिटीज की जाएगी। मैं काफ़ी खुश हुआ, एडमिट कार्ड को लिया और जहाँ पर रहता था वहाँ पर अपने टेबल के ड्रॉअर में रख दिया और रख कर भूल गया। जिस दिन मुझे ट्रेवल करना था दिल्ली इंटरव्यू के लिए, ट्रेन का टाइम था शाम के 4 बजे और लगभग 2 बजे के आसपास जब मैं आराम करने जा रहा था तो कुछ क्लिक किया कि यार मैं शायद कुछ भूल रहा हूँ। जब मैं यहाँ वहाँ चेक करने लगा देन आई रियलाइज कि यार मुझे तो आज जाना है, फटाफट अपना सारा बैग रेडी किया, जो भी कपड़े लगते होते हैं उनको करके फटाफट रेडी करके मैं भागा और ट्रेन पकड़ा और पहुँच गया दिल्ली। वहाँ जाकर अपने एक रिलेटिव के यहाँ रहा और अगले दिन मैं सैटरडे को पहुँचा था, संडे बीच मंडे को मेरा जो भी होता है वो प्रोसेस होने वाला था। मंडे को भगवान को याद करते हुए मैं पहुंच गया दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पे और 1 में जाकर इंडियन एयरलाइंस का जो ऑफिस था मैं वहां पहुंचा। मेरे जैसे कम 2 से 3 हज़ार लोग वहां पर थे, भीड़ बढ़े जा रही थी। जो भी फॉर्मेलिटीज हुई, जो भी प्रोसेस हुआ, फर्स्ट राउंड में मेरा सिलेक्शन हो गया, अगेन सेकेंड राउंड में हो गया, थर्ड राउंड जो कि फाइनल इंटरव्यू का था उसमें
कुछ सेलेक्टेड लोग ही थे। वहाँ पे जाने के बाद जब कोई भी अंदर से बाहर आ रहा था, अरे बताना क्या पूछा, क्या पूछ क्या, अरे बताना क्या पूछा, यार बताना प्लीज़। हर किसी से हम लोग पूछते थे और उसी के बेसिस पे हम लोग एनालाइज करते थे, हाँ इसका जवाब मैं ये दूंगा। लेकिन दोस्तों होता ऐसा है कि जब हम इंटरव्यू में के अंदर जाते हैं ना, रूम के अंदर, तो हमारी बैलून की तरफ फुस हवा निकल जाती है, भूल जाते हैं हम लोग। तो क्यों मैं कहता हूँ कि आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि आप प्रैक्टिस करेंगे तो एक्चुअली आपके अंदर वो चीज़ें आएंगी। तो दोस्तों इंटरव्यू के रूम में गया, वहाँ पर 3 लोग बैठे हुए थे एंड ऑब्वियसली इंडियन एयरलाइंस की जॉब थी, इट वॉज नॉट अ डायरेक्ट, इंडियन एयरलाइंस की एक सिस्टर कंपनी थी, डायरेक्ट इंडियन एयरलाइंस की ही एक सिस्टर कंपनी थी, ASL, इंडियन एयरलाइंस एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड। तो वहाँ पर 2004 में ये सारे प्रोसेस स्टार्ट हुआ। अंदर जाने के बाद जो भी होता है विश हुआ, मैं बैठा, बैठने के बाद उन्होंने नॉर्मल टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए, कहीं से भी अगर आप चाहें तो मेरा वीडियो भी देख सकते हैं, इस पे मैं बना रखा हूँ कि टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ कैसे बोला जाता है। और फिर उसके बाद फिल्ट्रेशन करते रहें, एक बार, दो बार, तीन बार, हर बार कुछ ना कुछ आपके साइड से जुड़ता जाएगा और बाद में एकदम बिल्कुल कॉम्पैक्ट चीज बनेगी, जो एक आंसर का पार्ट बनेगा ना, दैट विल बी वेरी स्ट्रांग। तो वहाँ पे मैंने बताया टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, दे वर वेरी हैप्पी, तो इसको मैं आराम से इंग्लिश में बोला। फिर सेकेंड टाइम में एक और क्वेश्चन आया, थर्ड टाइम में एक क्वेश्चन मुझसे पूछा गया, पता नहीं क्यों मैंने पूछ दिया कि सर मैं आई स्पीक इन हिंदी, तो जो एक साउथ इंडियन सर थे वो इंडियन एयरलाइंस में काफ़ी बेहतर और काफ़ी बड़े डिजिग्नेशन पे थे, वेरी इंप्रेसिव, ही टोल्ड इधर हिंदी नहीं चलता, तुम्हें को हिंदी में बात नहीं करने का, इंग्लिश बोलो इंग्लिश। एंड देन आफ्टर आई स्टार्टेड बोलता चला गया, अंदर से फ्लो आ गया, बोल दिया। मैं क्या बोला एग्जैक्टली मुझे उस वक्त नहीं याद था, लेकिन मैं बोल गया। इतना सब कुछ होने के बाद अब इंतज़ार था रिजल्ट्स का। रिजल्ट के बारे में जब हमने जानना चाहा तो दे टोल्ड कि इट विल टेक टाइम, और फाइनली जब रिजल्ट में मैंने अपना नाम देखा तो आप समझ सकते हैं मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। किसी से कुछ लेकर कॉन्टैक्ट्स और मैंने घर पे फ़ोन किया कि यस आई एम सेलेक्टेड, घर वाले बहुत खुश, जितने भगवान को मान रखा था सबको वहीं पे हाथ जोड़कर प्रणाम किया कि हे ईश्वर हो गया। उसके बाद नवंबर के फर्स्ट वीक में हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई और मुझे जो डिपार्टमेंट दिया गया था दैट वाज सिक्योरिटी। दोस्तों सिक्योरिटी में एक सर्टिफिकेशन होता है स्टार्टिंग में, जो कि आपको मैंडेटरी बेसिस पे क्लियर करना पड़ता है, मिनिमम 80% मार्क्स उसमें आपको सिक्योर करने होते हैं, बेसिक एब्सेक एंड स्क्रीनर्स विद इन अ टाइम फ्रेम ऑफ अराउंड 1 month, इससे भी कम टाइम फ्रेम में, या फिर यस अराउंड। मैंने दोनों सर्टिफिकेशंस को पूरा कर लिया और उसके बाद एयरपोर्ट और एयरलाइन की जो मेरी जर्नी है वो स्टार्ट हो गई। तो दोस्तों ये थी मेरी अपनी कहानी, आपकी अपनी कहानी, अगर चाहें तो आप वीडियो के कमेंट में ज़रूर कमेंट करें। इस वीडियो के बाद मैं कुछ ऐसी गलतियां बताऊंगा जो कि ज्वाइन करने के बाद मैं किया, मतलब वो उतने सीरियस नेचर की नहीं थी, लेकिन अब सोचता हूं तो हंसी मुझे आती है। सो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन में ऑल पे ज़रूर क्लिक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।